हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन आपने कई बार सुना होगा, पंप्स में टरबाइन में और पाइप्स में, जहाँ पे बेंड्स होते हैं, जहाँ पे सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी होता है। तो हम देखने वाले हैं कि कैविटेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है इसके इफेक्ट को। तो उससे पहले कि हम देखें कैविटेशन क्या होता है, हम देखते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करता है कैविटेशन होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि वेपर प्रेशर के नाम में ही है, वेपर प्लस प्रेशर, दो चीजों से बना है, वेपर एंड प्रेशर। वेपर क्या है? गैसियस फेज ऑफ एनी सब्सटेंसेस कॉल्ड वेपर। अब वेपर और गैस में क्या अंतर होता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर से ऊपर जो गैसियस स्टेट है उसको हम गैस बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर से नीचे जो स्टेट है उसको हम वेपर बोलेंगे। गैसेस को लिक्विफाई करना आसान नहीं होता, जबकि वेपर को लिक्विफाई करना बहुत आसान होता है। उसका रीजन भी है क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, जैसे वाटर के बारे में बात करें यदि हम, तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस एंड क्रिटिकल प्रेशर इज 221 बार। तो इतना टेम्परेचर प्रेशर के यदि कोई चीज ऊपर है तो ऑफकोर्स उसको लिक्विफाई करना काफी मुश्किल होगा। ओके, तो हमने बात कर ली है तो वेपर गैस क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम देखें वेपर प्रेशर क्या होता है। कि सबसे पहले सपोज हम लें क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, से वाटर ही भरा हुआ है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसका मतलब कि इसमें मास आ नहीं सकता और बाहर जा नहीं सकता। तो कोई भी टेम्परेचर पे से एट 25 डिग्री सेल्सियस, अब 25 डिग्री सेल्सियस पे भी इसकी कुछ वेपर्स बनेंगी। वेपर्स क्यों बनेंगी? हम यदि वाटर की जनरली बात करें तो हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मींस जिस पॉइंट पे वाटर का एवेपोरेशन स्टार्ट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम ये क्यों कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले, ये तो काफी कम है, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी वेपर क्यों बनेंगी? क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस फेज चेंज का टेम्परेचर है, मींस कि हीट जब देंगे यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फेज में। बट यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो एक वेपर प्रेशर होता है, यानी कि कुछ वेपर्स वाटर की बनेंगी और यहाँ पे क्लोज कंटेनर में वाटर की लिक्विड सरफेस, जो कि लिक्विड की फ्री सरफेस है, उसके ऊपर जमा हो जाएंगी। अब ये वेपर, जो भी वेपर का अमाउंट है, ये लिक्विड की ये फ्री सरफेस, सपोज ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर ये लिक्विड की पे जितना प्रेशर लगा रहा है ये वेपर, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज नोट करने वाले हैं कि जब भी हम वेपर प्रेशर बताते हैं तो हम टेम्परेचर को रेफरेंस मानते हैं। और मैंने लिस्ट, ये टेबल दे रखी है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, इसमें एक्चुअली टेम्परेचर 24 टू 27 ही दे रखा है डेटा, बट हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर 24 पे प्रेशर कितना है, 22.4 टॉर। टॉर क्या होता है? प्रेशर की यूनिट होती है, कितने किसके इक्वल होती है, 1 mm of Hg। यदि इसको हमको एटमॉस्फेयर में पास्कल में, किलो पास्कल में, बार में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यदि सबसे पहले पास्कल में कन्वर्ट करना है, अब 1 mm of Hg का मतलब क्या है, 1 mm of Hg, तो मरकरी का 1 mm, मींस यदि हम प्रेशर लिखें तो ये कैसे लिखा जाता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू रो जी एच। अब एच की वैल्यू उसने दे रखी है 1 mm, यानी 10^-3, जी की वैल्यू 9.81 एंड रो की वैल्यू 13600, मरकरी के लिए यही वैल्यू होती है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 mm of Hg के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली यदि हमको 24 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर चाहिए तो हम यहाँ पे जो 10^-3 है इसको 22.4 × 10^-3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 torr = 1 mm of Hg, तो 22.4 torr = 22.4 mm of Hg। इसको यदि पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पास्कल में आ जाएगा, तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे × 9.81 × 13600। तो आई होप ये चीज तो क्लियर है। ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है, जब भी हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो हम टेम्परेचर को रेफरेंस मानते हैं। टेम्परेचर को रेफरेंस मानने से क्या होगा कि कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कुछ और होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कुछ और होगा। यदि हम रेफरेंस वैल्यू की बात करें, यानी कि हम वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे मानते हैं, तो वो जनरली हम 20 डिग्री सेल्सियस पे मानते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे यदि मैं बात करूं तो वाटर का वेपर प्रेशर करीब 2.33 किलो पास्कल होता है। अब हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर का कैविटेशन में कैसे यूज होता है, लेकिन अब इतनी चीज तो क्लियर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कैसे हम इसको निकालते हैं। ये वैल्यूज हैं, ये ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करी गई है, लेकिन यदि इसको हम पास्कल किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकने चाहिए। नेक्स्ट इज कैविटेशन। अब सबसे पहले हम कैविटेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, कैविटेशन होता क्या है, उसके बाद हमको समझने में आसानी होगी कि कैसे होता है ये और कैसे इसको प्रिवेंट करा जाए। तो क्या होता है कि जब हमारे पास सपोज एक ये फ्लो चैम्बर है, फ्लो चैनल है कोई, सपोज दिस इज अ फ्लो चैनल। अब यहां से हमारे पास फ्लो आ रहा है एंड यहाँ पे इसका एग्जिट है।
तो अब ये क्या है, कन्वर्जिंग है, और हम अभी इसको मान रहे हैं सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक का मतलब, सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक का फ्लो का मतलब है मैक नंबर लेस देन वन। अब यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो कुछ भी हो नोजल हमेशा वेलोसिटी बढ़ाएगा ही। इनकम्प्रेसिबल और एक होता है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में कन्वर्जिंग पाथ हमेशा नोजल की तरफ यूज करता है, नोजल, और डाइवर्जिंग पाथ हमेशा डिफ्यूजर की तरह यूज करते हैं हम लोग, डिफ्यूजर की तरह बिहेव करता है। डाइवर्जिंग हमेशा डिफ्यूजर की तरह बिहेव करता है, कन्वर्जिंग हमेशा नोजल की तरह बिहेव करता है। बट यदि कंप्रेसिबल हो तो उसमें केस बन जाते हैं, यदि एम लेस देन वन हो यानी कि सबसोनिक फ्लो हो तो कन्वर्जिंग नोजल की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर है। बट यदि हम सुपरसोनिक फ्लो में चले जाए तो कन्वर्जिंग ही डिफ्यूजर की तरह बिहेव करने लग जाएगा एंड डाइवर्जिंग नोजल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, अभी इसमें एक टॉपिक में काफ नहीं आने वाला, लेकिन हम इतना समझ लेंगे यदि हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं, कन्वर्जिंग नोजल की तरह बिहेव करेगा कन्वर्जिंग पैसेज एंड डाइवर्जिंग पैसेज डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा। अब नोजल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, नोजल में फ्लो कराते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंड प्रेशर डिक्रीज होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे आते आते प्रेशर कम होगा एंड इस सेक्शन पे, इसको क्या बोलते हैं, नोजल का थ्रॉट बोलते हैं, इस सेक्शन पे आके प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। अभी प्रेशर मिनिमम यदि उस फ्लूइड के उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर से कम है तो क्या होगा, यदि यहाँ पे मिनिमम प्रेशर फ्लूइड के वेपर प्रेशर से कम है तो क्या होगा, तो होगा ये कि बबल्स बन जाएंगे या बॉइल्स बन जाएंगे फ्लूइड के अंदर। जैसे सपोज ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड का इवेपोरेशन चालू होगा। अब गैसेस एक साथ तो निकल नहीं पाएंगी बाहर, तो इसके अंदर ही बबल बना लेंगे, और जैसे ही आगे के सेक्शन में फ्लो पहुंचेगा, आगे के पैसेज में फ्लो पहुंचेगा, यदि प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो ये बबल पे फोर्स आएगा एंड ये एकदम से एक्सप्लोड होंगे, जिसके कारण ये शॉक वेव जनरेट करेंगे। शॉक वेव जनरेट करेंगे तो जो हमारी सरफेस है, मशीन की जो सरफेस है, चाहे वो पंप का इंपेलर हो चाहे वो टर्बाइन का एग्जिट हो, उसकी जो सरफेस है वहां पे जाके एक्सप्लोड होगा एंड शॉक वेव जनरेट करेगा। उससे क्या होगा, इरोजन पिटिंग जैसी चीजें होंगी। इरोजन पिटिंग का सीधे सीधे मतलब है कि मटेरियल जो है हमारा उखड़ के चले जा रहा है, मटेरियल उखड़ के चले जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इतना कॉस्टली कंपोनेंट था, टर्बाइन की ब्लेड्स थी, इंपेलर की ब्लेड्स थी, कितनी कॉस्टली होती हैं, वो सीधे सीधे वो खराब हो जा रही हैं, उनका आगे कोई यूज नहीं बच रहा। तो इसका सीधा मतलब यही है कि कैविटेशन हमारे इक्विपमेंट्स को खराब करता है यदि बहुत सिग्निफिकेंट हो तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे ही कैविटेशन को कैसे भी करके अवॉइड करा जाए। अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, बट अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, उससे पहले हम देख लें कि पंप और टर्बाइन में कहाँ कहाँ पे होता है। हमारे पास दो चीजें हैं, पंप है एक तो, अरे टर्बाइन है, ठीक है। पंप में हम कैसे वर्क करते हैं, एक बार ये समझ लें पंप में वर्क क्या करते हैं। पंप में हमारे पास ये एक सेक्शन होता है, ये डिलीवरी पाइप है एंड ये एक सक्शन पाइप है। यहाँ से सक्शन हो रहा है, यहाँ से डिलीवरी हो रही है, यहाँ पे ये पंप का इम्पेलर है सपोज। तो हमारा मकसद क्या होता है कि किसी भी तरह से हम यहाँ से पानी खींचे एंड यहाँ सप्लाई कर दें, यहाँ से नीचे से सोर्स से पानी खींचे और यहाँ पे डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर दें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब प्रेशर जीरो नहीं होता, वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01325 बार या 101.325 किलो पास्कल। यदि इतना प्रेशर से कम प्रेशर हम यहाँ पे जनरेट कर पाए तो उसको बोलेंगे वैक्यूम। यदि वैक्यूम सफिशियंट हुआ तो हमारा प्रेशर यहाँ पे, हमारा पंप यहाँ पे पानी सप्लाई कर देगा। अब कितनी पावर का पंप है, कितना हॉर्स पावर का है, कितनी कैपेसिटी का है, वही डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा वैक्यूम क्रिएट कर पाता है यहाँ पे, कितना कम अमाउंट का वैक्यूम क्रिएट कर पाता है। अब ये तो हो गया 101.325 बार। अभी मैंने बताया था वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 2.33 किलो पास्कल, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बताया मैंने, 101.325 किलो पास्कल। तो यदि किसी भी स्टेज पर प्रेशर लेस देन पीवी हो गया, मतलब वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो यहाँ पे 100% कैविटेशन होगा।
सिमिलरली अब एक तो चीज समझ में आएगी, पंप पे कहाँ होता है, इनलेट पे। पंप पे कैविटेशन कहाँ होगा, इनलेट पे, क्योंकि ये पंप का इनलेट ही है, ये एग्जिट है। तो पंप पे कैविटेशन कहाँ होता है, इनलेट पे या फिर इम्पेलर पे। टर्बाइन पे कहाँ पे होता है, एग्जिट पे। और टर्बाइन में कैविटेशन को मिनिमाइज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब हमारे पास क्या होता है कि टर्बाइन में जब हम वाटर को बाहर निकालते हैं, जब हम वाटर की एनर्जी का यूटिलाइज कर चुके होते हैं, तो हम वाटर को बाहर निकालते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। टर्बाइन का लेवल होता है वो वाटर के लेवल से कुछ ऊंचा होता है, तो या तो हम डायरेक्ट वहीं से पानी को छोड़ दें, या फिर हम ड्राफ्ट ट्यूब लगा के पानी को नीचे लेके आए और तब छोड़ें। यदि हम ऊपर से ही पानी को छोड़ रहे हैं तो हमारे V2² / 2G इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, और इस लॉस के चलते हम प्रेशर को उतना डिक्रीज नहीं कर पा रहे, मींस हमारा लॉस हो रहा है। बट यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रेशर को काफी कम कर सकते हैं, और उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे आके यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है, शॉर्ट में हम समझ लेते हो कि टर्बाइन में यदि हमको कैविटेशन को अवॉइड करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करना पड़ेगा। और ऑफकोर्स यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब का भी यूज कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखनी होगी, कभी भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज हो गई तो कैविटेशन से कोई भी नहीं रोक सकता, हमारा इक्विपमेंट खराब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि हमको कैविटेशन अवॉइड करना है तो हमको वेपर प्रेशर से ऊपर चलना पड़ेगा, प्लस हमको टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा किस टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेशर है। यदि सपोज हम वर्क तो कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे हमको देखना पड़ेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर कितना है, और उसके हिसाब से हमको सेफ्टी लिमिट रखनी पड़ेगी। सो दैट्स इट अबाउट कैविटेशन एंड हाउ टू अवॉइड इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।